अहिर नंदवंशी गौडी समाजातील वर वधू परिचय आणि सामूहिक विवाह मेळाव्याचे आयोजन परतवाडा शहरात आयोजन करण्यात आले असून याची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे। या कार्यक्रमाला खासदार नवनीत राणा, आमदार बच्चू कडू सह अनेक दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती लाभणार आहे। मेळाव्याला राज्यभरातून शेकडो समाज बांधव उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आयोजकांनी स्पष्ट केली आहे। परतवाडा येथे श्री अहिर नंदवंशी गौली समाजाची वरवधू परिचय संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे। 14 आणि 15 फेब्रुवारीला 2 दिवसीय 17व्या सामूहिक विवाह संमेलनात माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, खासदार नवनीत राणा, अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू व माजी राज्यमंत्री सचिन अहिर, बबलू देशमुख यांची प्रामुख्याने उपस्थिती राहणार आहे। या संमेलनामध्ये 15 वधूवर सोहळ्यांचं लग्न होणार असून यासाठी अहिर गौडी समाज संघटनेचे अध्यक्ष अनिल अकोले यांच्या नेतृत्वात भिकुलाल कोल्हापुरे, जयनारायण म्हणजेच वाले मेघराज लखनऊवाले, मनोज कळपेवाले, विजय मंडेवाले, महासचिव गिरीधर चरपटी, सचिव प्रकाश कळपेवाले आदी समाज बांधव सामूहिक विवाह संमेलनाला यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे। अहिर गौली समाज के सामूहिक विवाह संमेलन के अंदर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। हमारे साथ में डॉक्टर अर्जुन अकोले, उनके द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है, किस प्रकार से सेवा रहेंगी जानकारी लेंगे। स्वागत है, आप जो अपने बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पधारे हैं, और मैं आपके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है, और आप भी एक समाज सेवा कर रहे हो और अवसर दिया है हम लोगों को कि हम चिकित्सा व्यवस्था जुड़े हैं, वो एक सेवा का मौका है। और इसी के अवसर से हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं यहाँ के, आज के अनिल जाकोले, वो मेरे बड़े भाई हैं, और उन्हीं के द्वारा आज ये सेवा प्रदान की जा रही है, जिसमें हमारे दूर दराके से जो समाज बंधु हैं पधारे हैं, और मौसमी बीमारी देखते हुए सर्दी खांसी उल्टी दस्त वगैरह होता है, चक्कर आते हैं किसी को, उस देखते हम लोग यहाँ अच्छी सेवा देने का प्रयास भी कर रहे हैं, और इसी माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद। अहिर गौली नंदवंशी समाज का सामूहिक सम्मेलन परतवाड़ा के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में होने जा रहा है। अचलपुर परतवाड़ा इस जुड़वा नगरी के अंदर अहिर गौली समाज का परंपरागत तरीके से अखंड रूप से यह सामूहिक सम्मेलन लिया जाता है। यहाँ पर वर वधुओं का परिचय और उनका विवाह सम्मेलन लेने वाले अहिर गौली समाज के अध्यक्ष हमारे साथ अकोले जी, उनसे हम जानेंगे किस प्रकार से आयोजन है, कितने वर्षों से वो ले रहे हैं कार्यक्रम। हमारे गौली नंदन जी समाज के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हमारे काका चैतराम जी कड़पे वाले, इन्होंने ये परतवाड़े में ये नींव रखी थी सामूहिक विवाह में, कि जो समय का दौर चलते हो पैसे की बर्बादी ना हो, और अब हमारे अहिर समाज गौली के जो भी समाज बंधु है, बहरानपुर हो गया, औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, चंद्रपुर, जो भी जहाँ भी हमारे अहिरात है, ये सभी समाज बंधु एक विवाह के इसमें सभी समाज बंधु एक में से 2 दिन का समय निकाल के सभी दूर दूर से समाज बंधु आते हैं, एक में से परिचय, एक प्रकार का बहुत बड़ा मेलावा हमारा आयोजन होता है यहाँ, और सभी अदर समाज को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि सामूहिक विवाह के माध्यम से पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी ना करें, और हमारे अहिर गौली समाज का एक उदाहरण लेके हुए अदर समाज में भी ये आयोजन करना चाहिए, और ये जो सामूहिक विवाह कार्य है ये एक की बदौलत से सक्सेस नहीं होता, संपन्न नहीं होता, इसमें सभी हमारे मार्गदर्शक राजू काका है, गिरधर काका है, मेघराज भैया है, और समाज के जो बड़े हैं वरिष्ठ पदाधिकारी, इनका सभी का सहकार्य रहता, हमारे विनोद भैया है, प्रकाश भैया है, अचलपुर के अपने ज्यादा समाज बंधु के तो नाम लेना नहीं चाहूँगा। हमारे साथ है सुविख्यात भजन गायक, कामगार नेता राजेश जी खुलापुरे, जो कि समाज की नींव को और समाज की एकता को और अखंडता को लेकर चलते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है सम्मेलन को लेकर जाने की। देखिए, पहले तो ये चैनल के माध्यम से जो हमारा प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे हमारे छोटे भाई नीलेश जी किल्लेदार, इनका मैं नंदवंशी अहिर गौली समाज की ओर से स्वागत करता हूँ। लगातार 17वां सम्मेलन यहाँ पे होने जा रहा है नंदवंशी अहिर गौली समाज का। इसकी शुरुआत अचलपुर परतवाड़ा, विशेष करके विदर्भ मिल, यहाँ से शुरुआत हुई है। हमारे नंदवंशी अहिर गौली समाज के सभी लोग यहाँ मिल के अंदर में काम कार्यरत थे,
मील के अंदर में बैठ के पूरी समिति का निर्माण हुआ है और लगातार यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत चालू है। यहाँ पे पूर्व नगरा पूर्व हमारे जो अध्यक्ष रहे हुए हैं यहाँ पे ऐसे प्रथम नगर अध्यक्ष सम्मेलन के चैतराम जी, छोटे लाल जी कड़के वाले, उसके बाद में मिट्टू स्वर्गीय मिट्टू लाल जी चरपटे, धन्नू लाल जी सिंधे वाले, फकीरचंद जी चौधरी तखत वाले, मैं सातवें सम्मेलन का अध्यक्ष राजेश खोलापुरे, जयचंद जी कड़पे वाले, विनोद जी तखत वाले, सज्जन लाल जी कोल्हापुरे, नंदलाल विजय नंदलाल जी मंडले, रंगलाल पहलवान जी कड़पे वाले, गिरधर लाल जी चरपटे, श्री हेमंत जी सुंदे वाले, ऐसे सभी लोग अभी तक का यहाँ पे अध्यक्ष बने। और आपको बताना चाहूँगा कि मोहन मुरली वाले की कृपा हम पे छाई तो पावन मिलन की घड़ी बन के आई। हमारे अचलपुर पड़तवाड़ा और साथ में जितने भी हमारे बुरड़ घाट हो, परसापुर हो, चाहे बड़गांव हो, जितने भी हमारे सब लगते हुए यहाँ के गांव हैं, सभी लोगों के सहयोग से सभी परिवार, हरेक परिवार, एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो सम्मेलन के अंदर में भाग नहीं लेता है। जितने भी परिवार हैं, सभी परिवार के लोग, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद, सभी माताएं बहनों का सहयोग, सभी नौजवान साथियों का सहयोग से ये सम्मेलन हमारा सक्सेसफुल होते आया आज तक भी। अभी भी इस साल के हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं अनिल जी आकोले उप सरपंच, इन्होंने सभी समिति को विश्वास में लेके अचलपुर पड़तवाड़ा के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, सभी नौजवानों को साथ में लेके, सभी समिति को विश्वास में लेके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। आज पहला दिन यहाँ पर लगन सगाई का दोपहर में कार्यक्रम होगा, उसके बाद में तेल हल्दी के कार्यक्रम होंगे, सवेरे से फिर तेल हल्दी का कार्यक्रम, शाम में यहाँ पर बराता वगैरह का कार्यक्रम होगा, उसके बाद में हमारा स्वागत समारोह का कार्यक्रम होगा। हर साल के मुताबिक पूर्व मंत्री हमारे हंसराज जी भैया, इनका भी आगमन होने वाला है। हमारे पूर्व मंत्री आमदार बच्चू भाऊ कड़ू, इनका भी आगमन होने वाला है। चंद्रपुर से बॉम्बे से सचिन जी अहिर आमदार जो है, उनका भी आगमन होने वाला है। यहाँ की जिले की खासदार नवनीत राणा जी, इनका भी आगमन होगा। जिले के कांग्रेस अध्यक्ष बबलू देशमुख, इनका भी आगमन रहेगा। हमारे को यह सभापति जो है गुरडे साहब, यहाँ कृषि उत्पन्न बाजार समिति के, इनके तरफ से भी पूरा पूरा सहयोग मिलता है। जय श्री राम। हमारे यही बंधु समाज की ओर से सभी भाइयों को, सभी हमारे बड़े जीजा, हमारे जो लोग हैं, सभी समाज के कौन कौन आ रहा है, सभी लोग आएंगे। हमारे समाज की जितनी यही डोली समाज है, सभी लोगों का सम्मान है। हमारी खासदार मैडम नवनीत जी राणा, आमदार रवि भाई राणा, हमारे साथ है चौधरी ट्रॉफी के संचालक विनोद भैया, जो कि वाघा माता संस्थान के यहाँ सदस्य भी शुद्ध है। उनसे हम जानेंगे वो काफी मेहनत लेते हैं सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ कई वर्षों से हमारे समाज का सामूहिक सम्मेलन विदर्भ मिल से शुरुआत किए थे राजू भैया, छोटे हमारे चैतराम मामा पड़पे वाले, इन सभी ने मिलकर जो यहाँ पर सभी कर्मचारी थे विदर्भ मिल में, इन्होंने एक बैठक कर कि अपने को सामूहिक व सम्मेलन इस समाज का अपने करना है, ऐसा इन्होंने निश्चित किया। और ये सम्मेलन को वहाँ से ही उगम स्थान बोले जाता है, जैसा पड़तवाड़ा अचलपुर शहर को, कोई इसका वर्चस्व बाहर गांव वाले हमारे से ले लेते हैं, लेकिन इसका मेन हमारे यहाँ से ही अचलपुर पड़तवाड़ा से ही उगम स्थान हुआ है, उत्पत्ति यहाँ से हुई है। तो और ये चलते रहेगा हरदम। मैं इतना ही बोल के मैं मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। समाज की एकता अखंडता के लिए परतवाड़ा अचलपुर के अहिर गौली नंदवंशी समाज की ओर से 17 वर्षों से अखंडित रूप से यह परंपरा चालू है। बाकी समाज के लिए भी संदेश का एक कार्यक्रम होता है। 2 दिवसीय यह सम्मेलन परतवाड़ा के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में होने जा रहा है, जहां पर जिले के सांसद नवनीत राणा और विधायक बच्चू कड़ू सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता माजी मंत्री सचिन अहिर यह भी यहाँ पर उपस्थिति दर्शाने वाले हैं। इसी प्रकार माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यह भी यहाँ पर उपस्थिति दर्शाने वाले हैं। और जिले के अलावा समाज के अलावा भी समाज के से जुड़े जो लोग हैं वे भी लोग यहाँ पर सहयोग करते हैं, और जिन जिन लोगों ने इनके लिए सहयोग किया है वे भी लोग यहाँ पर पधारे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू देशमुख ये भी यहाँ पर अपने उपस्थिति दर्शाने वाले। कुल मिला के अहिर गौली समाज का ये 2 दिन का सम्मेलन है, और 2 दिन का ये मेला है जहाँ सब लोग एक दूसरे से रूबरू होते हैं, परिवार मिलते हैं, बहन बेटियां मिलती है,
पुराने जो जितने रिश्ते हैं वो फिर एक बार ताज़ा तरोताज़ा हो जाते हैं। अहिर गौली समाज के इस सम्मेलन को मैं सिटी न्यूज़ की ओर से भी शुभकामनाएं दूंगा। मैं कैमरामैन मोनी के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ परतवाड़ा। समाजामध्ये लग्न म्हटलं की खर्च आला, परंतु सामूहिक लग्नामध्ये खर्चाची बचत होते असा संदेश अहिर गौली समाजाने दिला आहे। तेथे डॉक्टर अर्जुन अकोले यांच्याकडून निःशुल्क आरोग्य सेवा राहणार असल्याची माहिती स्पष्ट करण्यात आली।